सदर प्रखंड मुख्यालय दरभंगा के प्रांगण में युवा राजद के प्रदेश सचिव डॉक्टर राजेश रंजन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और दरभंगा नगर विधायक माननीय संजय सरावगी का पुतला दहन किया। साथ ही बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतल बरामद होने पर घोर निंदा किया और कहा कि विधानसभा के बाहर शराब की खाली बोतलें मिलने पर बिहार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं की, जब बिहार के मुखिया और प्रशासन ने कहा कि जिस क्षेत्र में शराब मिलेगा वहां के चौकीदार पर कार्रवाई की जाएगी। अंदर सीनियर विधायक है संजय सराफ जी, से उम्र में भी बड़े हैं और उनको आप सब से उनको संबोधित करने का काम किए माननीय विधायक आरजेडी के भाई वीरेंद्र, लेकिन संजय सरावगी जी उनको तुम करके अपमानित करने का काम किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो उसके बाद जो हुआ, जो गाली गलौज हुआ, उस पे क्या कहेंगे? गाली गलौज माने सर आप सब नहीं था, भाई वीरेंद्र जी के द्वारा जो किया गया। देखिए भाई वीरेंद्र जी, पहले गाली देने का काम नगर विधायक संजय सरावगी जी ने किया है, स्वाभाविक है आप किसी को कुछ बोलेंगे तो। भाई वीरेंद्र जी गाली देने का नहीं काम किया, उनको छोटा भाई समझते हैं संजय सरावगी को, और सम्मान देने का काम करते हैं विधानसभा में, ऐसी कोई बात नहीं है। गाली नहीं दिए हैं भाई वीरेंद्र जी। क्या आवश्यकता थी कि भाई वीरेंद्र आगे बढ़े गलती मानने? भाई वीरेंद्र जी आगे नहीं बढ़े, भाई वीरेंद्र जी संजय सरावगी को सब दिन से छोटा भाई भाई मानते हैं। राजनीतिक अपने जगह पर है और पॉलिटिक्स अलग जगह पर है, उनकी महानता है। भाई वीरेंद्र जी सबको प्यार करते हैं, हमको भी प्यार करते हैं, आपको भी प्यार करेंगे, मीडिया के लोगों को भी प्यार करते हैं। संजय सरावगी शहर का सबसे बड़ा भूमि माफिया है और सरकारी जमीन को बेचकर उसका पिताजी परमेश्वर सरावगी दिवालिया घोषित हो चुका है, वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है उसका, और उसका बेटा 5,000 करोड़ की संपत्ति बना करके दरभंगा में राजा बनने का काम कर रहा है। ये जो गुस्सा था ये संजय सरावगी के खिलाफ में, उसका इजहार हम लोगों ने यहाँ किया। और आप जानते हैं, अब सुन ही लिया है, जब से ये नीतीश कुमार की सरकार आई है, आश्चर्य की बात यह है जिसका बाप दिवालिया हो गया, वो पूरे शहर के जितनी जमीन है उस पर कब्जा है, जितना तेल का व्यापार है वो अकेले है, आधा उसमें रेपसीड मिला करके यहाँ के लोगों की सेहत खराब कर रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान करके यहाँ के लोगों को, आवाम को ये 4 बार से मिले और एक भी काम न किया है, किया है तो उसका कोई नाम बता दो। ऐसे निकम्मा और नालायक लोगों को यहाँ की जनता नकारती है और ऐसे लोगों को ये इस तरह से ना, ये किसी के लायक ये नहीं है। और ये विधानसभा में जो कोई सम्मानित विधायक राष्ट्रीय जनता दल के, ये दम्भ भर करके उनके खिलाफ में अल बल आए बाएँ बकता है, इसकी ये राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा उसकी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि ये सरकार उसको अविलंब उस पर कार्रवाई करे। दूसरी बात, जो सरकार है, बिहार सरकार है नीतीश कुमार, इसका दारूबंदी शराबबंदी है, ये सरकार द्वारा संचालित है। सरकार पूरे कहती है कि हम इसकी रोज समीक्षा करते हैं, कोई कार्यक्रम बनाता है, लेकिन ये व्यापार अपने सरकारी स्तर पर कराता है और ये खुद बंटवारा करते हैं दारू का, यहाँ चुनाव में हो या व्यापार में हो। हम लोग इनकी निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसको अविलंब ये इसको उस पर कार्रवाई की जाए। बात आज यही है आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज का जो ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है सदर प्रखंड मुख्यालय दरभंगा में, युवा राजद के प्रदेश सचिव डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में जो के कैंपस में जो शराब का बोतल मिला है, वो घटना जो है बिहार के सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है उसको शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना को लेकर नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही नगर के जो विधायक है माफिया, डुप्लीकेट तेल बनाकर जनता को पिलाने वाले संजय सरावगी भूमि माफिया, भाई वीरेंद्र जी के साथ जो अपमानित भाषा का प्रयोग किया है इसका मैं घोर निंदा करता हूं। साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मांग करता हूं कि ऐसे विधायक को सदन से बाहर कीजिए और लोकतंत्र के मंदिर को पवित्र कीजिए, तभी काम चलेगा। नहीं तो नगर विधायक जो है पूरे शर्मसार किया है बिहार विधानसभा में इस तरह की भाषा का प्रयोग करके। और खास करके मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी को, कि आपका जो शराबबंदी ढोंग है आप पूरी तरह से आप फेल है। आप लोग शराब पीते हैं विधानसभा में और बोतल जो है बिहार विधानसभा के कैंपस में भेज फेंकते हैं, इस पर आप पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।